मेकअप करना स्टार्ट किया था मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे कौन से मेकअप ब्रशेस खरीदने चाहिए, बिकॉज मैं बहुत ही अच्छे मेकअप ब्रशेस चाहती थी, बट एट द सेम टाइम मैं चाहती थी कि वो अफोर्डेबल भी। वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ फुल सेट ऑफ ब्रशेज। आई विल शेयर विद यू ऑल द ब्रशेज दैट यू विल एवर नीड टू डू अ फुल फेस ऑफ मेकअप। दीज विल बी रियली गुड क्वालिटी वंस, बट एट द सेम टाइम दे विल बी सुपर अफोर्डेबल। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज डू, सो दैट आई कीप मेकिंग वीडियोज फॉर यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद बेस मेकअप ब्रशेज। सो बेस मेकअप में आता है हमारा दो टाइप का मेकअप, दैट इज लिक्विड मेकअप एंड पाउडर मेकअप। सो गाइस, लिक्विड मेकअप के लिए हमें हमेशा यूज करने चाहिए डेंस ब्रशेज जो थोड़े से डेंस हो, और पाउडर मेकअप के लिए हमें यूज करने चाहिए फ्लफी ब्रशेज। तो इसका मतलब आपको चाहिए दो टाइप के ब्रशेज, एक डेंस ब्रश और एक फ्लफी ब्रश। डेंस ब्रश फाउंडेशन लगाने के लिए या फिर कोई भी क्रीम प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट लगाने के लिए, और आपको चाहिए फ्लफी ब्रश पाउडर प्रोडक्ट्स लगाने के लिए, यानी कि आपका ब्लश हो गया या कॉन्टोर हो गया या आपका कॉम्पैक्ट हो गया, इस सब के लिए आपको चाहिए फ्लफी ब्रशेज। सो गाइस, फॉर फाउंडेशन या फिर जो भी आपके लिक्विड मेकअप है उसके लिए आपको यूज करना है डेंस मेकअप ब्रश। सो फॉर दैट आई हैव दिस वेट एंड वाइल्ड फ्लैट टॉप ब्रश। सो गाइस, मैं हमेशा यही यूज करती हूँ ब्रश फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। बहुत अच्छा और डेंस ब्रश है ये, बहुत अच्छे से इससे आपके फेस पे फाउंडेशन अप्लाई होता है, ब्लेंड होता है। कोई भी लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट आप बहुत ईजिली इस ब्रश से अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, दिस इज रियली अफोर्डेबल, ओनली फॉर 299 रुपीज ऑन फ्लिपकार्ट, और पता नहीं क्यों ये नायका पे 350 रुपीज का है, पर जब मैंने खरीदा था तो ये 299 रुपीज का था, फ्लिपकार्ट से ही मैंने लिया था, एंड आई गॉट दिस फॉर 149 रुपीज ऑन सेल। द 50% ऑफ सेल थी फ्लिपकार्ट से। बट गाइस, दिस इज अ रियली नाइस ब्रश। अगर आपने एक ये ले लिया, दिस इज ऑलमोस्ट मेरा इज लाइक मोर देन 1 ईयर्स ओल्ड गाइज, और एक साल से यू कैन सी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसके ब्रिसल्स एकदम सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी आपके फेस को हर्ट नहीं करेंगे, बहुत ही गाइज इसके सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, बहुत अच्छे से और सीमलेसली आपके मेकअप को ये ब्लेंड करेगा। दिस इज अ रियली अफोर्डेबल बट एट द सेम टाइम रियली गुड क्वालिटी ब्रश, यू कैन डेफिनेटली गेट दिस वन। द नेक्स्ट बेस ब्रश इज अ फ्लफी ब्रश, एंड फॉर दैट आई हैव दिस वेट एंड वाइल्ड फ्लफी ब्रश। गाइज, इसका भी MRP जब मैंने लिया था वॉज 299, एंड स्टिल ऑन फ्लिपकार्ट इज 299, बट आई डोंट नो व्हाई नायका पे इट इज 350 रुपीज, एंड मैंने इसको सेल पे लिया था 150 रुपीज का। इसका मैं इतना यूज कर चुकी हूँ कि इसका ये कलर चला गया है, बट इट इज स्टिल रियली सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये सारे ब्रशेज गाइज वॉशेबल होते हैं, आप इनको यूज करो, वॉश करो, रीयूज करो, एंड दिस इज स्टिल लाइक रियली सॉफ्ट। ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे कॉम्पैक्ट अप्लाई करेगा, ब्लश अप्लाई करेगा, और आप इसको कॉन्टोर अप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको सेपरेटली किसी भी कॉन्टोर ब्रश की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इस ब्रश को लेके इसको हल्का सा पिंच करना है और आप इसी से कॉन्टोर अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा गाइज, फ्लफी है तो बहुत ईजिली आपके पूरे फेस पे ये कॉम्पैक्ट, या फिर अगर आपको ब्लश अप्लाई करना है तो बहुत ईजिली आपके फेस पे ये ब्लश अप्लाई करता है। इसके ब्रिसल्स अगेन गाइज बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। फॉर 299 इतना अच्छा और वर्सेटाइल ये ब्रश है जिसको आप मल्टीपर्पज चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो। सो 299 इज कम्प्लीटली पैसा वसूल गाइज। आपको डेफिनेटली वेट एंड वाइल्ड के ब्रशेज सारे ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली और अच्छे क्वालिटी के ब्रशेज यूज करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट इन वेट एंड वाइल्ड ब्रशेज। आई रियली लाइक देम एंड आई हाईली रिकमेंड देम। अगर आपको हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए कोई अलग से ब्रश चाहिए, देन आई हैव दिस फैन ब्रश फॉर यू। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ओशन। मैंने ये ब्रश सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज का लिया था, बहुत अच्छा है। इसके सिंथेटिक ब्रिसल्स हैं, बहुत इजीली इससे अपना हाइलाइटर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज ये छोटा है तो एकदम से आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा, आपका कंट्रोल रहेगा इसके ऊपर, और बहुत ही लाइट वेट है। इट्स रियली नाइस। ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से है, यू कैन डेफिनेटली सी टाइम से ये मेरे पास है, और इसकी कंडीशन अभी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे इसके ब्रिसल्स हैं, कोई ब्रिसल्स टूटे नहीं हैं, एकदम सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, और सिर्फ 75 रुपीज का है गाइज। यू कैन ईजिली गेट दिस फ्रॉम नायका। आई रियली लाइक इट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। सो गाइज, नेक्स्ट वी कम टू आई शेडो ब्रशेज। सो फॉर आई शेडो ब्रशेज गाइज, आई हैव दिस फुल सेट ऑफ 4 आई शेडो ब्रशेज। गाइज, मैंने ये पूरा सेट सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज का लिया था। येस, 4 ब्रशेज ओनली फॉर 149 रुपीज, बट प्राइस सुन के ये
मत सोचिए कि ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। मैं यही ब्रशेज यूज़ करती हूँ आई शेडो अप्लाई करने के लिए, एंड आई इज़ रियली गुड क्वालिटी, सच सॉफ्ट ब्रशेज गाइज। और ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी कंडीशन में ये अभी भी हैं। दे हैव रियली नाइस, बहुत अच्छे इसके हैंडल्स हैं, बिल्कुल भी चीप नहीं लगते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, मेकअप करना स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली आप ज़्यादा मेकअप ब्रशेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप यू जस्ट हैव टू गेट दिस सेट एंड यू आर गुड टू गो। आपको किसी और बेसिकली आई शेडो ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप ये ले लो, और इससे आप डेफिनेटली पूरा आई मेकअप अपना बहुत अच्छे से कर सकते हो। इनके ब्रिसल्स एकदम सॉफ्ट है गाइज, बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपके फेस के ऊपर, और एक भी अभी तक ब्रिसल, जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसका कोई भी ब्रिसल टूटा नहीं है। बहुत अच्छे से ये मेकअप प्रोडक्ट को पिक करता है और आपकी आईज पे अप्लाई करता है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक स्मजर ब्रश, जिससे कि गाइज आप लोग अपने आई लाइनर को या फिर काजल को या फिर आई शैडो को ब्लेंड या स्मज कर सकते हो। देन यू विल गेट अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, वो थोड़े से उससे बड़े बिगर ब्लेंडिंग ब्रशेस। सो ऑल इन ऑल गाइज, अगर आपने ये पूरा आई शैडो ब्रश सेट ले लिया, आपको डेफिनेटली किसी और आई शैडो ब्रश की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो, आप डेफिनेटली ज़्यादा ब्रशेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, गो गेट दिस वन फॉर 149 rupees गाइज। आई थिंक दिस इज सच अ स्टील, यू शुड डेफिनेटली गेट इट। ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छे से आई शैडो अप्लाई होती है, अच्छे से ब्लेंड होती है, अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सुपर बजट फ्रेंडली है, सब कुछ है इसमें। यू शुड डेफिनेटली गेट इट, आई हाईली रिकमेंड यू टू गेट दीज ब्रशेज। मैं यही यूज़ करती हूँ आई शैडोज अप्लाई करने के लिए, एंड दे वर्क रियली गुड फॉर मी, आई हैव नो इशूज विद देम व्हाट्सोएवर। गाइज, देयर इज अनदर आई शैडो ब्रश जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो कि इस सेट में नहीं है, इज दिस फ्लैट ब्रश। सो गाइज, दिस ब्रश इज रियली नाइस फॉर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ आई शैडो, अगर आप उसको प्रिसाइजली अप्लाई करना चाहते हो। दिस ब्रश इज ऑल्सो रियली बजट फ्रेंडली। तो गाइज, ये ब्रश मैंने सिर्फ 60 rupees का लिया था फ्रॉम नायका, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड ओशन। तो ये आपको ईजिली नायका पे मिल जाएगा। इसके सिंथेटिक ब्रिसल्स हैं, और अगर आप प्रिसाइजली कोई आई शैडो लेना चाहते हो और उसको अप्लाई करना चाहते हो, या फिर इवन इफ अगर अपने अंडर आई में आई शैडो अप्लाई करना चाहते हो, तो इससे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है। और वो जो मैंने आपको आई शैडो ब्रशेज दिखाए थे गाइज, आप उससे ईजिली हाईलाइटर भी लगा सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। एंड दिस ब्रश ऑल्सो इज रियली बजट फ्रेंडली, ओनली फॉर 60 rupees आपको नायका पे ईजिली मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। द नेक्स्ट ब्रश दैट आई हैव फॉर यू इज दिस लिपस्टिक ब्रश और द लिप लाइनर ब्रश। अगर आप लिपस्टिक को ब्रश के अच्छे लगाना चाहते हो, इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, आप सबके लिप्स पे ऑब्वियसली सेम लिपस्टिक नहीं लगा सकते हो। इस नहीं भी हो, अगर आप प्रिसाइजली अपनी लिपस्टिक को लगाना चाहते हो, या फिर अगर आप अपनी लिपस्टिक को ही एज अ लिप लाइनर लगा सकते हो, देन यू शुड डेफिनेटली हैव अ लिप लाइनर ब्रश इन योर किट गाइज। सो दिस लिप लाइनर ब्रश इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड ओशन। गाइज, इसका MRP सिर्फ और सिर्फ 50 rupees है, एंड आई गॉट दिस फ्रॉम नायका। इसके काफ़ी अच्छे और पॉइंटेड ब्रिसल्स हैं, तो आप बहुत ईजिली और बहुत ही प्रिसाइजली गाइज इससे अपनी लिपस्टिक या लिप लाइनर जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। फॉर 50 rupees कुछ नहीं जाता गाइज, बहुत अच्छा ब्रश है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, आई रियली लाइक इट। सो गाइज, आई हैव केप्ट दिस वीडियो रियली क्विक एंड टू द पॉइंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल हो आपके लिए। अगर हेल्पफुल थी और अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन ताकि एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।